है गाइस, तो आज जो है मैं आपको मेरा नाइट रूटीन दिखा रही हूँ और साथ ही मैं स्पेशल रेसिपी भी दिखा रही हूँ जो कि मेरे घर में सबको बहुत ही पसंद है और ये चपाती के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन को गर्म पानी में उबाल लिया है। 2-3 मिनट में ये उबल जाता है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। और पानी को निकाल के साइड में रख लेना है ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे साथ में मैं बना रही हूँ राइस, जो कि कंपलसरी हम लोगों को राइस चाहिए होता है। तो उसी के साथ यहाँ पे मैं आटा भी मिक्स कर रही हूँ चपाती के लिए। तो चपाती का आटा जो है मिक्स हो गया, उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ। अब रखती हूँ एक पैन और उसमें से थोड़ा तेल डाल के सूखा नारियल जो होता है उसे फ्राई कर लेना है। तो ये थोड़ा सा तेल जो है मैंने डाल दिया है ताकि जो नारियल है वो चिपके ना कढ़ाई में। और यहाँ पे नारियल को 2-3 मिनट में ये ब्राउन हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन आने तक इसे पकाना है। और ये जो सब्ज़ी है बहुत ही टेस्टी लगता है, आप ज़रूर बना के खाइएगा, ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छा सब्ज़ी है, बहुत अच्छा रेसिपी है। तो जो नारियल है वो ब्राउन हो चुका है और साथ में मेरा चावल भी पक रहा है। और इसी कढ़ाई में हमें डालना है ऑनियंस, उसे भी गोल्डन ब्राउन आने तक पका लेना है। इसमें थोड़ा सा तेल डालना है ताकि ये जो ऑनियंस है और वो कढ़ाई में चिपके ना, और ढक के 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है। राइस भी पक रहा है, यहाँ पे सब्जी रेसिपी भी बन रही है, साथ ही साथ मैं सभी काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे ऑनियन जो है ब्राउन होने लग रहा है। तो नाइट का जो खाना होता है वो बन जाता है, करीब हम लोग जॉइंट फैमिली है तो सबके लिए बनाना होता है। तो ये जो ऑनियन से वो ब्राउन हो चुका है, अब हमें इसमें टमाटर डालना है। यहाँ पे मैंने 2-3 टमाटर डाल दिया है मीडियम साइज के। और चावल हो गया है, उसे मैंने साइड में रख दिया है। और टमाटर भी जो है वो पक गया है, अब हम इसे फैन के नीचे रख देते हैं ताकि ठंडा हो जाए। अब ये जो सोयाबीन है वो बड़े साइज़ में है, तो मैं इसमें 2 पार्ट्स कर रही हूँ कट करना है। और दूसरा पैन रख के उसमें तेल लगाना है और सोयाबीन को जो है वो फ्राई कर लेना है। तेल इसलिए डालना है ताकि जो सोयाबीन है उसे गर्म करने से, फ्राई करने से चिपक जाता है, तो तेल डालने से वो चिपकेगा नहीं कढ़ाई में। यहाँ पे जो मैंने फ्राई किया हुआ नारियल है उसे मैं ग्राइंड कर रही हूँ, इस तरह से पाउडर कर लेना है। साथ में सोयाबीन को भी चलाते रहना है। ये हो गया, देखिए इस तरह से क्रिस्पी, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाना चाहिए। और इसे हम एक प्लेट में निकाल के साइड में रख देते हैं। और हमने जो प्याज और टमाटर फ्राई किया है उसे भी हमने ग्राइंड कर लेना है। और उसी कढ़ाई में तेल डाल के उसमें हमें डालना है काली मिर्च 4-5, लौंग 4-5 और 1 दालचीनी। और यहाँ पे मैं तेज पत्ता भी 2 डाल रही हूँ। और साथ ही जो नारियल का पाउडर है अभी जो हमने ग्राइंड किया है उसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। और इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालनी है 1 चम्मच। और टमाटर प्याज की जो प्यूरी है अभी हमने ग्राइंड किया था उसे भी तेल में डाल के फ्राई कर लेना है। इसे ढक के करीब 2-3 मिनट तक पका लेना है, फिर मिक्स करना है ताकि ये जल नहीं जाए, फिर से ढक देना है। और यहाँ पे साइड में मैं काजू भी फ्राई कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 4-5 काजू लिया है, उसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। उसका भी जो पेस्ट है हमें इस कढ़ाई में डाल देनी है। तो यहाँ पे हल्दी डाल रही हूँ इसी में, साथ में मिर्च पाउडर, जितना आप तीखा खाते हो उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हो। और नमक डालना है स्वाद अनुसार। और साथ ही में इसमें गरम मसाला और कड़ी पत्ता कोतिंबीर भी ऐड कर देना है। और ढक के करीब 2 मिनट फिर से पका लेना है। यहाँ पे साइड में मैं गरम पानी रख रही हूँ ताकि इसमें जो ग्रेवी के लिए हमें गरम पानी डालना है। प्याज टमाटर जो है वो भून चुका है, अब हम इसमें सोयाबीन डालेंगे और 2 मिनट के लिए फिर से ढक के
पकाना है इसे। तो ये जो गर्म पानी है गर्म हो चुका है, अब हम इस पानी को कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना पानी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 ग्लास जितना पानी डाल दिया है और इसे धीमी आंच पे पकाना है 5-6 मिनट के लिए। तो यहाँ पे ढक के मैंने रख दिया है साइड में। अब मैं जा रही हूँ चपाती बनाने के लिए। तो ऑलरेडी ये जो आटा है वो सॉफ्ट हो चुका है। नॉर्मली हम लोग जो चपाती है या फिर रोटी कहो वो थोड़ा बड़ा बनाते हैं, तो कोई कोई चपाती या फिर रोटी छोटा बनाते हैं, कोई कोई बड़ा बनाते हैं। तो हमारे घर पे जो चपाती है वो बड़ा बनता है। तो इस तरह से मैं सारे चपाती फटाफट बना लूँगी। तो देखिए यहाँ पे सब्जी भी हो चुका है, तो हमें गैस को बंद कर देना है। तो सारे चपाती जो है वो बन गया है और जो रेसिपी है सब्जी जो करी है वो भी बन चुका है, ये राइस भी बन चुका है। तो जो भी बनाती हूँ वो सब हो जाने के बाद उसे डाइनिंग टेबल पे शिफ्ट कर देती हूँ। तो जैसे ही मेरा खाना बन जाता है तो मैं जो किचन प्लेटफॉर्म है वो क्लीन कर लेती हूँ, और आपको भी क्लीन कर लेना चाहिए क्योंकि किचन क्लीन रहने से किचन में काम करने में भी मन लगता है। तो मेक श्योर कि आपका भी जब भी खाना बन जाए तो किचन का प्लेटफॉर्म जो है वो क्लीन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा किचन साफ़ कर दिया है। डिनर जो भी बनाए थे मैंने डाइनिंग टेबल पर शिफ्ट कर लिया है। तो गाइस ये था मेरा नाइट रूटीन डिनर का, और मैंने आपको बहुत अच्छा रेसिपी भी बताया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय।